फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अजय अंजलि डेली ब्लॉग में। तो हमारी किट्टू से आप लोग मिलना ही चाहोगे, क्योंकि वीडियो का शुरुआत और लास्ट किट्टू के अलावा हो तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगता। किट्टू कौन है? किट्टू कह दो हाय फ्रेंड। क्या कर रहे हो आप? बात कर लो। कैसे हो आप? कौन करता है बेटू? हम भूत बन रहे हैं। भूत बन रहे हैं। फ्रेंड लोग को डरा रहे हो? हाँ। और आप लोग सोच रहे हो कि ये कान का और नाक का निकाल के क्यों ऐसे उजड़े चमन होके बैठी है? तो मैं बता दूं, मैंने अभी एक मेकअप लुक क्रिएट किया था, तो फिर उसको मैंने, मुझे हैवी पहनने के बाद बड़ा उलझन हो रहा था, तो फिर मैंने उसको निकाल दिया और कुछ टाइम के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ा है, इसको भी और इसको भी। कुछ टाइम बाद मैं पहन लूँगी। और ये चलिए फिर मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में मैं जो भी बनाने जाऊँगी आप लोग को दिखाऊँगी। तो आज हम आलू का पराठा बनाने जा रहे हैं। छुपाएंगे नहीं आपसे कुछ भी, आलू का पराठा बनाने जा रहे हैं। आलू का पराठा तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से बना रहे हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। थोड़ा अलग ढंग से बनाते हैं, तो आप लोग देखिएगा उसके आटे में कमाल होता है। और आप लोगों को खिलाएंगे पराठा से, ठीक है? आलू ऐसे खिलाएंगे, ठीक है? चलिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है? फिर हम लोग किचन में चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय। और यहाँ हमने आलू उबाल के रख लिया है पहले से। आलू उबालते हुए और छीलते हुए मैंने आपको नहीं दिखाया, आप लोग बोर हो जाओगे, और वो तो सभी को आता है। इसकी आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैं इसे कद्दूकस करूँगी, क्योंकि हाथ से मैश करने से बहुत अच्छे टुकड़े। और यहाँ पे मैंने इसे कस कर लिया है। कस करते हुए मैं आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि मैं एक हाथ में फ़ोन ली हुई हूँ, तो दिक्कत हो रहा था मुझे। एक मैंने कस कर लिया है और ये खूब बारीक से हो जाता है ऐसे। और यहाँ तवा पर मैंने सूखा हुआ साबुत धनिया और जीरा है, इसे फ्राई कर रही हूँ। इसे भून के मैं अच्छे से इसे पाउडर फ्रेम में बनाऊंगी। ये पूरी के जो पूरी या पराठा जो भी हो उसके आलू में डालने से इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ लोग इसको जानते भी हैं, कुछ लोग इस तरीके से बनाते भी हैं। जो नहीं बनाते हैं वो एक बार ट्राई करिएगा आप लोग। और यहाँ पर हमारा दोनों चीज़ भुन गया है अच्छे से, धनिया और जीरा दोनों भुन गया है। मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। बहुत लोग इसे दरदरा पीसते हैं, बट मैं इसे पाउडर फ्लेम में पीसूंगी। ये देखिए मैंने इसे आलू में मिक्स कर दिया है, और अब थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ मैं। अब थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और ये हल्का सा गरम मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं, चुटकी भर गरम मसाला मैंने टेस्ट के लिए डाल दिया है। और ये थोड़ा सा आमचूर पाउडर, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, खट्टा खट्टा सा। और यहाँ थोड़े से हरे धनिया के पत्ते थे, उसे भी मैंने यहाँ कट कर लिया है। और थोड़ा सा स्वादानुसार नमक, नमक कम ज़्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। और यहाँ हमारी चटनी भी पीसने जा रही है, इसके साथ मैं चटनी भी आपको दिखा दे रही हूँ। चटनी के लिए हरी धनिया, जीरा, टमाटर, अदरक, लहसुन की कलियाँ, मिर्च, इसे सब पीस के अच्छे से चटनी बना लूँगी, क्योंकि आलू के पराठे के साथ चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बना रही थी तो सोचा आप लोग के साथ इसे भी शेयर कर दूँ। मैं इसे अच्छे से मिक्सर में डाल के पीस लूँगी और इसमें नमक ऐड कर दूँगी। चटनी बनाना सभी को आता है, फिर भी मैंने आपको दिखा दिया ऐसे ही। ये देखिए हमारी पीस गई चटनी, काफ़ी टेस्टी होती है। और यहाँ मैं आटा बनाने जा रही हूँ पराठे के लिए। इस आटे में हमें 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड करने हैं, यही मेन इसका है, इस डिश का। तो इसमें अगर आप बेसन ऐड करोगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इस पराठे का। और इस थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके मैंने डाल दिया है, ये आपके पेट के लिए फ़ायदा भी है और खाने में टेस्ट भी अच्छा कर देता है। और इसके बाद हम थोड़ा सा देसी घी यूज करेंगे और काला नमक, मैंने पहले ही आपको सब बता दिया है। तो अब हम यहाँ काला नमक यूज करने जा रहे हैं, ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा डालूँगी मैं, क्योंकि उसके आटे में भी थोड़ा नमक रहेगा तो अच्छा लगता है खाने में। और अब थोड़ी सी देसी घी, ऐसे आप अगर इसका आटा बनाओगे तो विश्वास करिए बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। एक बार ट्राई करिएगा आप लोग इसका आटा ऐसे बना के। और आलू का पराठा तो सभी को आता है, बट इस तरीके से बना के देखिए, काफ़ी ही अच्छा बनता है। और ऐसे जब भी खाओगे आप, ये सॉफ्ट ही बना रहेगा। अब मैं यहाँ लोई काट रही हूँ, इसके अंदर मैं
स्टफिंग करूंगी आलू का। इसे मैं कटोरी नुमा ऐसे हाथों से कर ले रही हूँ, इसमें स्पेस बना रही हूँ कि आलू की स्टफिंग अच्छे से चली जाए। इसमें आप स्टफिंग अधिक या ज़्यादा अपने पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं छोटे चम्मच एक चम्मच में ऐड कर रही हूँ और धीरे धीरे सूखा आटा लगा लगा के इसे फोल्ड कर रही हूँ, इसे कॉर्नर तक ले आऊँगी और फिर आगे आके इसको मिला दूँगी इस तरीके से। सबके अपने अपने भरने के तरीके होते हैं ऐड करने के उसके अंदर, बट मैं इसी तरह करती हूँ। अब मैं ऐसे करके इसके ऊपर का कॉर्नर का जो है उसे हटा दूँगी और इसको ऐसे ही डैप कर लूँगी। अब मुझे हल्के हाथों से बेलन के सहारे से बेलना है। मैं बहुत बड़ा नहीं बेल पाती हूँ, मुझसे फट जाता है अक्सर, लेकिन छोटे छोटे ही बनाऊँगी मैं। और बहुत लोग तो काफ़ी बड़े बड़े भी बनाते हैं, अगर आप बड़े बनाते हैं तो बड़े बना लीजिएगा, बट मुझसे फट जाता है तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे से बनाती हूँ। बट खाने में टेस्टी होता है, बड़े छोटे से कोई मैटर नहीं रखता। इसे चाहिए तो आप फ्राई करके भी तेल में खा सकते हैं, बट मैं ऐसे ही पराठा नुमा बनाती हूँ। ये देखिए बन गया है, थोड़े थोड़े से भाई हल्के हल्के तो निकल ही जाते हैं, और कोई नहीं, ये खाने में भी टेस्टी लगते हैं जो निकले रहते हैं। ये भी क्रंची क्रंची सा लगता है, बढ़िया लगता है। और यहाँ एक तरफ मेरा पराठा सिक गया है, दूसरी तरफ मैंने करके घी लगा दिया है अच्छे से। ये देखिए दूसरी तरफ भी मैंने घी लगा दिया है। ये पराठा बनके रेडी हो गया है। अब गरम गरम इसे चटनी के साथ, सब्जी के साथ, जिस तरीके से आप चाहें खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए हमारा पराठा बनके रेडी हो गया। मैंने कई पराठे बना लिए हैं, बट एक ही पराठा आपको दिखाया, क्योंकि और पराठा दिखाने में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। मैंने सब इसी तरह बेल के से बना लिया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ये तो था हमारा आलू का पराठा, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। हम लोग नॉर्मल ही बनाते हैं, बस इसके आटे में थोड़ा सा बेसन डालते हैं, बेसन डालने से काफ़ी टेस्टी लगता है वो, और थोड़ा सा घी, घी डालने से वो काफ़ी मुलायम रहता है, सॉफ्ट रहता है। आप जब भी इसे खाइए, कुछ देर बाद खाइए, एक घंटे दो घंटे बाद खाइए, तो भी वो सॉफ्ट ही बना रहेगा। तो ऐसे हम लोग घी डाल के इसे बनाते हैं। आप लोग भी इस तरह से ट्राई करिएगा एक बार, फिर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा। किट्टू आपने पराठा खाया, कैसा लगा? अच्छा लगा। फ्रेंड लोग को बता दो आप लोगों ने खाया। ये फ्रेंड लोग बनी है, सामने वाली फ्रेंड लोग बनी है ना बाबू, आप फ्रेंड हो। टाइगर खा, कह दो फ्रेंड लोग, आप लोग स्वेटर वेटर पहन के रखो, ठंडी बढ़ गई है। हाँ। और कह दो हम भी पहनने जा रहे हैं। हम भी पहनने जा रहे हैं। हाँ। तो ठंडी अब बढ़ गई है, तो सच में भाई ध्यान तो देना ही पड़ेगा। बच्चा है, इसको भी मैं पहनाती हूँ, शाम हो रहा है, मैं पहनाने जा रही हूँ इसको भी। आप लोग भी बच के रहिए, क्योंकि ठंडी हल्की है तो ही लग जाती है। और मैं सुबह से डायरेक्ट आपको शाम को मिल रही हूँ, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं भाभी के आई हूँ। जूतिया का जो भी वीडियो था उसमें आपने इन्हें देखा होगा, ये हमारी गांव की भाभी हैं, हम बहन बहन एक दूसरे को मानते हैं। तो हम लोग आए हैं इनसे मिलने शाम के टाइम में, और मेरे हस्बैंड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इनका पूरा घर आपको दिखा रहे हैं। उनका घर अभी नया नया बना है, मैंने बताया था इसकी पिछले वीडियो में। तो ये है इनका घर, फरवरी में बना हुआ था, तो ये रिकॉर्डिंग कर लिए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे आप देख चुके हो इसकी पिछली वीडियो में इनका घर, लेकिन ये ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मैंने सोचा शेयर कर दूं आपको। ये बेडरूम है इनका, और ये वॉशरूम, और ये बालकनी का इनका दरवाज़ा है, उधर आगे बालकनी है। और ये हमारी किट्टू चढ़ी हुई है बेड पे, इनके खेल रही है। और यहाँ भाभी बैठी हुई हैं, किसी का फ़ोन आया हुआ था तो वो बातें कर रही थी, इसके पहले हम ही से बात हो रही थी, फिर अचानक किसी का फ़ोन आ गया तो वो बात करने लगी, तो हम बैठे हैं ऐसे ही। और इधर देखिए कितना अच्छे से डेकोरेट की हुई है ये अपना घर।
ये हमारी किट्टू हैं, मस्ती कर रही हैं, और ये भाभी का बेटा मिट्टू नाम है इसका, शर्मा रहा था इसलिए भाग गया। तो हम जब घर आए तो हमें याद आया कि हमारी ग्रॉसरी के सामान सब ख़त्म हो गए थे, तो हमने सोचे कि भाई सोचा कि लगे हाथ ये सब भी ले लें, तो हम लोग दुकान पर आए हैं। ये देखिए इनका शॉप है, काफ़ी अच्छा सामान रखते हैं ये, और हमें यहाँ से सारे सामान मिल जाते हैं, मेकअप प्रोडक्ट हो या घर का कुछ भी हो, कोई भी सामान हो मिल जाता है। तो ये तो था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।